हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 2 जुलाई, ठीक है, और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 जुलाई के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो कल करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि ट्रॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर था दोस्तों 29 जून। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र ग्रह दिवस यानी कि एस्ट्रॉइड्स डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर 30 जून। भारत के किस देश के साथ 600 मेगावाट का कोलंबुच पन बिजली परियोजना के विकास का समझौता किया है, तो इसका आंसर था भूटान। ठीक है, भारत ने कितने चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को जो है वो प्रतिबंध लगाई था, उसका आंसर था 59। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन था हमारा कल का कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो उसका आंसर था नवम्बर। ठीक है, छठा क्वेश्चन था हमारा कि किस राज्य की सरकार ने कुमाऊं में भारत का पहला लाइकन पार्क जो है वो विकसित किया था, तो इसका आंसर था उत्तराखंड। ठीक है, सातवां क्वेश्चन था कि किस राज्य की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय जो है वो अभियान शुरू किया था, मतलब ठीक है ना, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो वो शुरू किया है, तो उसका आंसर था कि मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और वो कब से शुरू हुआ था, वो है 1 जुलाई से। ठीक है, यानी कल तक, कल से स्टार्ट हुआ था। आठवां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक जीत के लिए के बाद मलावी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ जो है वो दिलाई गई है, तो उसका आंसर था लैजरस चकवेरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से किस गायक को मिशेल ओबामा से BET, ठीक है, BET मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसका आंसर था कि बियॉन्स का। ठीक है, निम्नलिखित दसवां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ICC एलीट पैनल में प्रवेश करने वाला सबसे कम उम्र का अंपायर जो है वो बना है, इसका आंसर था नितिन मेनन। ठीक है, 11 क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम जिसके तहत COVID-19 रोगियों के लिए एक प्लाज्मा थेरेपी जो है वो शुरू की जाएगी, इसका आंसर था प्रोजेक्ट प्लैटिना। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मानव नैदानिक परीक्षण के लिए DCGI अनुमोदन के साथ भारत के पहले COVID-19 वैक्सीन उम्मीदवार कोवैक्सीन की घोषणा की थी, तो इसका आंसर था भारत बायोटेक। ठीक है, तो ये था दोस्तों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है, अंतर संसदीय संघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद दिवस जो है मनाया जाता है, देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों 30 जून। ठीक है, 30 जून को जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सांसद दिवस को मनाने के लिए 30 जून का जो दिन का रूप जो है वो नामांतरित किया था। ठीक है, यह तारीख 1889 के उस दिन को का भी है, ठीक है, जब सांसद के वैश्विक संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि IPU की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये दिन दुनिया भर में लोगों के दैनिक जीवन में सरकार के सांसदीय प्रणालियों को सुधारने का तरीका जो है को बताने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एथलीट को प्रतिबंध पदार्थों पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए नाडा यानी कि NADA ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द नाडा ऐप टू हेल्प द एथलीट स्टे अपडेटेड ऑन बैन सब्सटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैन सब्सटेंस। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू इसका आंसर है। ये किरण रिजिजू है कौन, ये हमारे खेल मंत्री हैं। ठीक है, जिसको आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, और नाडा, जैसे कि मैंने बताया था, नाडा ऐप जो है सवाल में था कि नाडा ऐप लॉन्च हुआ है, तो नाडा का फुल फॉर्म क्या है, नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये करते क्या है, ये बेसिकली देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके से खेल रहा है, क्या वो किसी गलत चीज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। बेसिकली एथलीट के लिए या खेल जगत में नियम और कानून को बनाए रखने के लिए ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो काम करती है। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी कि खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने निषिद्ध प्रदान यानी कि ऐसे पदार्थ जो जिन पे रोक लगाया गया हो, जो प्रोहिबिटेड प्लेसेस जैसे बोलते हैं हम, जैसे कि ऐसे पदार्थ जिन्हें मना किया गया हो लेने के लिए, उन पदार्थों की बात यहाँ पे की जा रही है, और उनके अनजान उपयोगों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पहले मोबाइल ऐप का
अनावरण जो किया है, जो कि डोप मुक्त खेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन का उद्देश्य एथलीट को नाडा के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करके बनाना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निषिद्ध पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि मना है इस्तेमाल करने के लिए, उनका अनजान उपयोग के बारे में एथलीट के कैरियर को प्रभावित कर सकता है, और इसीलिए वो पदार्थ की जानकारी देने के लिए एथलीटों को ये ऐप बनाया गया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन के साथ एथलीट स्वयं उस पदार्थ की सूची की जांच कर सकते हैं, कौन से पदार्थ, जो पदार्थ जो है मना किया गया है लेने के लिए एथलीट को। ठीक है, और सहायता के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस एप्लीकेशन से सारी डिटेल्स अपने आप ही देख सकेंगे। ठीक है, ऐप में इस बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई है। ठीक है, और नाडा द्वारा निश्चित इसलिए दी गई है, मतलब इस एथलीट और कोचों के यह तय करने में मदद करेगा कि वो कौन सी दवाई का सेवन करें। ठीक है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि एथलीट जो होते हैं उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उन्हें कहीं चोट लग जाता है तो उन्हें कोई पेन किलर लेना पड़ता है, तो इसी पेन किलर्स में, इसी ड्रग्स में वो कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, जो उनके शरीर को नुकसान करता है और उन्हें नहीं उचित सेवन करना चाहिए। तो उसकी जानकारी देने के लिए जो है वो हमारे खेल मंत्री ने किरण रिजिजू जी ने ये ऐप नाडा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 जुलाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट डे या सीए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट यानी कि सीए दिवस 1949 में भारत की संसद द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि ICAI, इंडियन काउंसिल ऑफ अकाउंट एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना के उपलक्ष्य पर हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ICAI या सीए की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ICAI भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशों के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और नियमित निकाय है। ठीक है, मतलब एकमात्र जो है वो इंस्टीट्यूट है, और इसके सिफारिश को पालन सभी द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण से कंपनियों और लेखा संगठन तक, मतलब हर कोई जो है वो ICAI का जो है जो भी ऑर्डर्स होता है उसको फॉलो करता है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, वो है नई दिल्ली में। ICAI के अध्यक्ष कौन है, वह सीए अतुल कुमार गुप्ता। ठीक है, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के उपखंड 1 के तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को जो है वो किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, वो है आर श्रीधरन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हर घर को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य में पाइप जल परियोजना हर घर जल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, परियोजना का नाम क्या है, हर घर और जल, तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है, इसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये जो है ये नया स्कीम जो लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। डिटेल्स देख लेते हैं इसके एक बार। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है वो सही आंसर है। डिटेल्स है इसका कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए हर घर तक पानी पहुंचाने का जो है महत्वाकांक्षा पाइप पानी परियोजना हर घर जल का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये अभी पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है, ये छोटे छोटे क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है और उसके बाद जो है पूरे उत्तर प्रदेश तक लागू करने का योगी आदित्यनाथ का जो है वो मिशन है। ठीक है दोस्तों, झांसी में मुख्यमंत्री द्वारा जिन 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जल जीवन मिशन हर घर जल का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो 2185 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण का तहत बुंदेलखंड के क्षेत्र के 3 जिलों को कवर जो है किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी जो है लागू नहीं किया जाएगा, ये धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्र वाइज क्षेत्र, एक एक एरिया वाइज एरिया जो है इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें लागत कितनी लग रही है, लागत लग रही है 2185 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, 2185 करोड़ रुपए लागत लग रही है। ठीक है, सतह जल और भूमिगत जल का उपयोग क्षेत्र के प्रत्येक घरों में नलों के माध्यम से पानी का प्रदान करने के लिए जो है वो किया जाए। ठीक है दोस्तों,
बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो एक बार उत्तर प्रदेश के डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आप देख पा रहे हैं ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया है, ये उत्तर प्रदेश हमारे भारत के मैप में, भारत की राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, वो है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल, ठीक है। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें 403। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो वह सारस। राजकीय वृक्ष है अशोक वृक्ष, और राजकीय फूल है प्लास फूल, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के डिटेल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसान के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। ई किसान ऐप धन लॉन्च किया है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों HDFC बैंक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसके एक बार कि HDFC बैंक ने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग सेवाओं को, ठीक है, दुरुस्त का गुलदस्ते का उपयोग करने के लिए भारत भर के किसान के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। ऐप जो खेतों में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान और जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है, ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये जो ऐप है ई किसान ऐप, ठीक है, इस ऐप में बेसिकली सारे डिटेल्स हैं उनके लिए जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिनका काम खेती करना होता है, और खेती के बारे में सारी जानकारी जो है वो इस ऐप में मौजूद है, ठीक है। ऐप में मंडी मूल्य, न्यूनतम कृषि समाचार, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान मतलब कि मौसम से जो भी डिटेल्स है रिलेटेड, ठीक है, और बीज किस्म की जानकारी, ठीक है, SMS सलाहकार, ई पशु हट और किसान TV जैसे मूल्य वर्धित सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी, ठीक है दोस्तों। उपयोगिता कई बैंकिंग सेवाओं को भी लाभ उठा सकते हैं इस ऐप के थ्रू, जैसे ऋण का जो है वो खरीद, बैंक खेतों को और खातों को खोलना, बीमा सुविधाएं, ठीक है, KCC ऋण पात्रता का ऑनलाइन गणना, और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्राप्त करना, ठीक है। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो जो है किसान जो है इस ऐप से लाभ उठा सकता है, ठीक है। यह बैंक कई जो ये जो ऐप है वो ये बैंक की जो हर गांव हमारा जो पहल था, जो इनिशिएटिव था HDFC बैंक के द्वारा, उसी का जो है ये एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। व्हेन इज नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी एक बार। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई, यानी कि ऑप्शन ए जो था वह हमारा सही था, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं कि हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों को मान्यता के लिए मनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे लोग जो पोस्टल वर्क के फील्ड में काम करते हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए यह जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पोस्टमैन और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको उनके कामों को बढ़ावा देने के लिए, उनका जो है मनोत्साह बढ़ाने के लिए यह जो दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो भारत के महानिदेशक पद पर कौन है, वो है अरुंधति घोष, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा वो फिर से चुने गए हैं, मतलब वो पहले से ही आइसलैंड के राष्ट्रपति थे और अब जो है वो री इलेक्टेड हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, गुडनी जॉनसन, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो जैसे मैंने आपको बताया गुडनी थॉमसन जॉनसन का आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप से फिर से चुना गया है, ठीक है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा 4 साल का कार्यकाल शुरू, ठीक है। तो बेसिकली ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आइसलैंड में राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होता है, वो है 4 साल का, ठीक है, 4 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% लोकप्रिय वोट के साथ जीत हासिल की, जो कि आइसलैंड राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार सबसे बड़ी जीते, मतलब सेकेंड टाइम जो है वो सबसे बड़ी जीते। पहली बार कौन जीते थे, पहली बार भी यही जीते थे, ठीक है। तो तस्वीर में आप जिन्हें देख पा रहे यही हैं आइसलैंड के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। उन्होंने वर्ष 2016 में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने से पहले आइसलैंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो आइसलैंड के विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर काम करते थे, ठीक है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, ठीक है। आइसलैंड की मुद्रा है आइसलैंड
होना, ठीक है दोस्तों। मैप में एक बार देख लेते हैं कि आइसलैंड कहाँ पर है। तो ये जो आप छोटा सा रेड हाईलाइटेड जगह देख पा रहे हैं, यही है आइसलैंड आपका, ठीक है दोस्तों। ये जो है आइसलैंड है, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक सी पूरा है। लेकिन एक बार इसको छोटे छोटे डिटेल्स हम देखें तो ग्रीनलैंड सी और नॉर्वे सी, ठीक है, यहाँ पे लैब्राडोर सी, ठीक है। और अगर बात करें भारत की, तो ये हमारा भारत है, ठीक है, जिस जो भारत, और ये है आइसलैंड, ठीक है। इधर से जो है पूरा ये ग्रीनलैंड का एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और बाकी एरिया, ठीक है। तो ये आइसलैंड है कौन सा, ये है कंट्री इन यूरोप, ठीक है, ये बेसिकली यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फॉरम पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, स्किल कनेक्ट फॉरम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने किया है, इसका आंसर है कर्नाटका, कर्नाटका सरकार ने ये जो ये फॉरम लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं इसके एक बार। ये कर्नाटका सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक सामान्य मंच पर जोड़ने के लिए कौशल कनेक्ट, यानी कि स्किल कनेक्ट फॉरम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों कि ऐसे लोग जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये पोर्टल जो है स्पेशली लॉन्च किया है, ठीक है। यह नौकरी चाहने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने विवरण जैसी योग्यता, ठीक है, उनका स्किल सेट और अन्य विवरण अपलोड करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। मतलब ऐसे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो बेसिकली अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है, और जहाँ पे वो डिटेल्स डालेंगे अपनी, क्या क्या कि वो किस फील्ड में काम करते हैं। जैसे कि कोई आईटी का बंदा हो तो वो अपने डिटेल्स डालेगा कि मैं जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है मुझे सी आता है, मुझे सी प्लस प्लस आता है, या कोई और फील्ड का बंदा हो वो अपनी डिटेल्स वहां पे डालेगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो नियोक्ता लोग होंगे, मतलब ऐसे लोग जिनको जरूरत होगी, वो भी अपने आप को पंजीकरण करेंगे और आवश्यकता अनुसार जो है अपने किसी भी कैंडिडेट को मेल भेज के जॉब जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कर्नाटका सरकार ने इसको, इसी पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जॉब का जो है सटीक जो है तरीका बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स देख लेते हैं बात की कर्नाटका की। तो मैप में जो है कर्नाटका, ये रेड हाईलाइटेड एरिया कर्नाटका का है, ठीक है। बात करते हैं राजधानी की, बात है बेंगलुरु राजधानी, ठीक है। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजू भाई भल्ला, लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12, विधानसभा की सीटें हैं 225 और विधान परिषद सीटें हैं 75, ठीक है। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है, जैसे कि आंसी नेशनल पार्क, ठीक है, कुद्रमुख नेशनल पार्क, ठीक है, नगरोहाल नेशनल पार्क, ठीक है। और प्रमुख बांधे हैं जो कि आलमट्टी बांध जो कावेरी नदी पर स्थित है, और कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc प्रोग्राम और डेटा साइंस डिग्री जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ठीक है। तो BSc डिग्री जो है वो ऑनलाइन लॉन्च हुआ है, और वो किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ है, वो है प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस पे, ठीक है दोस्तों। और ये लॉन्च किसने किया है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों रमेश पोखरियाल निशांक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशांक जी ने ये इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च किया है, ठीक है। ये डिग्री, ये बेसिकली अगर आप कह सकते हैं ऑनलाइन डिग्री लेने के लिए, इस BSc कोर्स के लिए, ये जो है रमेश पोखरियाल निशांक जी ने लॉन्च किया, ठीक है। ये है कौन, ये हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशांक ने इस चीज को लॉन्च किया, ठीक है। कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मद्रास द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ये लॉन्च कहाँ पे हुआ था, ये लॉन्च हुआ था IIT मद्रास में, ठीक है, मद्रास में लॉन्च हुआ था ये कार्यक्रम। कक्षा 12 व 12वीं 10वीं स्तर और पर अंग्रेजी और गणित के साथ कक्षा 12वीं व उत्तीर्ण करने वाले किसी भी कैंपस UG कोर्स में दाखिल लेने वाले के लिए खुला है। मतलब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो कि 10वीं पर अंग्रेजी और गणित के साथ हैं और 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, वो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशांक ने बताया है कि 2020 में कक्षा 12वीं पूरी करने वाले छात्रों का वर्तमान बैच आवेदन करने के लिए पात्र है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो 2020 में पास आउट हुए हैं, क्या पास आउट हुए हैं, 12th पास आउट हुए हैं, वो स्टूडेंट्स इसमें इनरोल करने के लिए तैयार हैं। अगर वो चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, और ऑनलाइन BSc प्रोग्राम जो कि डेटा साइंस में, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में डिग्री, उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इसलिए किया गया है
क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो पढ़ाई में नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का, जो वैसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए बेसिकली ये एक डिग्री जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत सरकार ने के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में विस्तृत किया गया। ठीक है, मतलब के वेणुगोपाल वो पहले से ही अटॉर्नी जनरल के पद पर काम कर रहे थे और अब जो है वो इनका कार्यकाल कितने साल के लिए दोबारा से बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 1 साल, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल दोबारा से बढ़ा दिया गया है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं एक बार। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, उनका कार्यकाल जो था वो 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, यानी कि कल से फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ACC ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो कार्यकाल था वो 3 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, और वो कब फिर से बढ़ाया, यानी कि 1 जुलाई से वो अगले 3 साल के लिए फिर से जो हमारे तुषार मेहता जी हैं वो सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्यरत रहेंगे। ठीक है, और ACC ने चेतन शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, जिसको आप तस्वीर देख पा रहे हैं दोस्तों यही है के वेणुगोपाल। ठीक है, जो हमारे अटर्नी जनरल हैं। ठीक है, ये जो पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है दोस्तों, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए दोबारा से बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट है दोस्तों ये ऑफिशियल educationkida.info, जहाँ से आप हमारे करंट अफेयर्स और रीडिंग मटेरियल्स अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें शेयर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में दोस्तों, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।